हेलो एवरीवन, मैं आयुष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी अच्छी चल रही होंगी। तो उसी लिहाज से आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूं, ये वाली, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि अगर आप नर्सिंग में जाना चाहते हैं, नर्सिंग में, तो उसमें आपकी सैलरी क्या रहती है, नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी क्या रहती है। यहाँ पे बहुत बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है इंडिया में मेडिकल साइंस में, जहाँ पे आपको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट की वैकेंसी मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी क्या रहती है, उसमें क्या क्या अलाउंसेज आपको मिलने वाले हैं, बेनिफिट्स एंड पर्क्स क्या क्या रहने वाले हैं, साथ में जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, जॉब रोल क्या रहता है, और उसके बाद सबसे मेन पॉइंट जो कि हर कोई जानना चाहते हैं कि सैलरी क्या रहती है, इनहैंड सैलरी क्या मिलने वाली है। उसी के साथ यहाँ पे हम लोग सैलरी स्लिप भी देखेंगे कि अगर आप यहाँ पे नर्सिंग किस पोस्ट पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे क्या सैलरी स्लिप मिलती है, मतलब सैलरी स्लिप में क्या क्या आपके उसमें अलाउंसेस रहते हैं, क्या क्या एडऑन्स रहते हैं जो आपको दिखने वाला है यहाँ पे। क्योंकि पोस्ट पे जाने के बाद तो आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलने ही वाले हैं, बट उससे पहले अगर आपको ये चीज़ें पता लग जाती तो आपके लिए एक मोटिवेशन हो जाता है, जिससे आप अच्छा प्रिपेयर करना चाहते हैं और उस पोस्ट के लिए आप अच्छा प्रिपेयर करते हैं, और फिर उसके बाद अगर रिजल्ट आता है और आप सिलेक्शन लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, करियर ग्रोथ इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए हम लोग आज जो बात करने वाले हैं, यहाँ पर आपको हिंट तो मिल ही गया होगा कि कौन सी पोस्ट है, बट अब मैं आपको बता ही देता हूँ, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं SGPGI के बारे में। यहाँ पे नर्सिंग ग्रेड सेकंड के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें आपका यहाँ पे पोस्ट जो आ जाती है नर्सिंग ऑफिसर की, ये पोस्ट आ जाती है जो कि बहुत अच्छी पोस्ट है, बिकॉज यहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो पोस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छी आई ऑटोमेटिकली, क्योंकि सैलरी से ही हम हर चीज़ देखते हैं और आज के टाइम में सैलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम लोग इन डिटेल यहाँ पे जानने वाले हैं कि क्या क्या सैलरी में रहता है इनकी, और इसी के साथ बेनिफिट्स एंड पर्क्स क्या रहते हैं, अलाउंसेस क्या क्या रहते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एग्जाम पैटर्न देखेंगे और सीधे हम लोग बिना टाइम वेस्ट करें एग्जाम पैटर्न पे जाते हैं, ताकि एक एक इन्फॉर्मेशन हमें जल्द से जल्द मिल जाए यहाँ पे और आपकी क्यूरियोसिटी जो है यहाँ पे कम हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग अगर एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें कि SGPGI सिस्टर ग्रेड सेकंड नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, तो सबसे पहले यहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट होता है आपका, जो भी नर्सिंग सब्जेक्ट है वो रहता है, जिसमें 60 क्वेश्चंस आते हैं 60 मार्क्स के। उसी के बाद आपका यहाँ पे मैथमेटिकल रहता है, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है, जिसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स के। फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, वो जिसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स के। फिर आपका यहाँ पे आ गया जनरल नॉलेज हो गया और रीजनिंग हो गया, जिन दोनों में से रेस्पेक्टिवली 10-10 क्वेश्चन आते हैं 10-10 मार्क्स के। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 होते हैं, उसी के साथ टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो होते हैं वो भी 100 होते हैं। तो आपको हर एक राइट आंसर के लिए एक मार्क्स मिलने वाला है, या तो आपको समझ आ गया। उसी के साथ यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 0.33 मार्क्स की, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज़्यादा इस चीज़ में, कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप कोई भी डाउटफुली क्वेश्चन, मतलब जो आंसर करके आते हैं उसका, अगर उसका आंसर रॉन्ग हुआ तो आपके मार्क्स डिडक्ट होने वाले हैं। तो इसीलिए जिस चीज़ के लिए आप कॉन्फिडेंट हो उसी को मार्क करें, ताकि आपके जो नेगेटिव मार्किंग है आप उससे बच पाएँ। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये इसलिए मैंने आपको बता दिया। उसी के साथ यहाँ पे अब आप लोग जानना चाहते होंगे कि सैलरी पे आते हैं ना सीधा, कि सैलरी है क्या, तो अब मैं आपको सैलरी बता ही देता हूँ कि सैलरी क्या क्या है। इसमें हम लोग एक एक कंपोनेंट्स जानने वाले हैं सैलरी के, जो आपको मिलता है, जो एडऑन्स होते हैं आपके। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे SGPGI सिस्टर ग्रेड सेकंड नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी क्या रहती है, उससे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जो SGPGI है इसकी फुल फॉर्म रहती क्या है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, है ना। तो उसीलिए हम लोग यहाँ पे अब जो है हम लोग सैलरी देखने वाले हैं कि सैलरी रहती क्या है इसी में आपकी। तो अगर मैं सैलरी पर आ जाऊँ, यहाँ पे जो ये सैलरी है, अभी लखनऊ में पोस्ट निकल सकती है यहाँ पे जो इसी पोस्ट से रिलेटेड है, तो उसी लिए यहाँ पे हम लोग उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी आपको बताने वाले हैं, क्योंकि उसी सिटी का है तो उसी के बारे में हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे एक्स सिटी हो गया, जेड सिटी में भी अगर है तो उसकी सैलरी में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, वो अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको इसमें बता दूंगा। तो हम लोग यहाँ पे जो जानने वाले हैं वाई सिटी के हिसाब से जानने वाले हैं, एस लखनऊ वाई सिटी में आता है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग पूरा इन डिटेल देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपका लेवल रहता है वो पे लेवल 4 रहता है। हम लोग इनहैंड सैलरी की बात कर रहे हैं SGPGI सिस्टर ग्रेड थर्ड सेकेंड नर्सिंग ग्रेड है ना, नर्सिंग ऑफिसर। इसमें ग्रेड पे जो हो गया 4600 का ग्रेड पे होता है, वाई सिटी का आपका ये मैं बताने वाला हूँ, जिसमें पे लेवल जो होता है 44,900 से लेके 1,42,400 तक रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सुन के कि हमारी जो बेसिक सैलरी है 44,900 से स्टार्टिंग है। तो 50,000 के अराउंड तो आप ऐसे ही आगे जो कि आपको बेसिक में मिलने वाला है, उसके बाद जब आपके अलाउंसेज ऐड होते हैं तो और ज़्यादा सैलरी इंप्रेसिव हो जाती है। अब अगर हम लोग देखें तो बेसिक आपका 44,900 है, HRA जो है यहाँ पे वाई सिटी के हिसाब से तो 7,633 है। उसी के बाद DA की बात कर ले तो DA 38% हो चुका है, और UP में गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि DA जो है 38% कर दिया गया है, तो उसी हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है। तो यहाँ पे 17,000
के अराउंड आपका डीए है, यानी कि 17,062 आपका डीए हो गया। तो यहाँ पे सैलरी तो आपकी बनी गई अच्छी खासी, आपको दिख ही रहा होगा कि 60 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी अभी तक हो चुकी। उसी के बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका आ जाता है ट्रैवलिंग अलाउंसेस, 3600 का ट्रैवलिंग अलाउंसेस है, और उसके बाद जो आपकी ग्रॉस सैलरी बन रही है वो 73,195 रुपीज़ की बन रही है ग्रॉस सैलरी, जो कि खुद में ही देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी के साथ ये जो ग्रॉस सैलरी आपको 2-3 मंथ्स के लिए मिलने वाली है, बिकॉज स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपका एनपीएस कार्ड नहीं बना होता, इसलिए आपको स्टार्टिंग में जो है यही सैलरी मिलने वाली है पूरी की पूरी 73,000 के अराउंड, है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसमें डिडक्शंस क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले डिडक्शन जो आता है वो आपका एनपीएस आता है, जो आपका 6,196 का है। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स जो कि जीरो है, उसके बाद सीजीई जीआईएस हो गया जो कि 160 रुपीज़ के अराउंड लग रहा है, तो टोटल डिडक्शंस आपके 6,356 हो गए, है ना। तो ये डिडक्ट करने के बाद जो आपकी इनहैंड सैलरी बनती है एसजीपी जीआई सिस्टर ग्रेड सेकंड नर्सिंग ऑफिसर की, वो आपकी बनती है 66,839। तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम सैलरी है, बहुत ज़्यादा। इसी के साथ में अगर वाई सिटी की हम लोग कंपैरिजन कर ले तो 70 के अराउंड वाई का होने वाला है और 60-62 के अराउंड आपका जेड में होने वाला है। लेकिन एक्चुअली में ये जो आपके मेडिकल होते हैं, है ना, ये आपका होता है वाई या एक्स सिटीज़ में ही होता है मेनली। तो आपकी जो सैलरी होने वाली है वो वाई और एक्स सिटी के हिसाब से ही है, और इसीलिए मैंने आपको एक्स और वाई सिटी का आपको बताया है यहाँ पे। जेड की हम लोग बात इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो टायर थ्री सिटी हो गई, जेड सिटी जो होती है टायर थ्री सिटी हो गई। अब हम लोग जो ये देख रहे हैं सैलरी, हम लोग देखिए हम लोगों ने वाई सिटी के हिसाब से 66,839 जो कि वाई सिटी की सैलरी है एसजीपी जीआई नर्सिंग ग्रेड सिस्टर ग्रेड सेकंड नर्सिंग ऑफिसर की, तो बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी है, आपको तो पता लग ही गया। इसी के साथ जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग सैलरी स्लिप भी देखेंगे, तो सैलरी स्लिप यहाँ पे जो मैं लेके आया हूँ एज सच इसका पर्टिकुलर मेरे को सैलरी स्लिप नहीं मिला, तो यहाँ पे मैं एक और सैलरी स्लिप लेके आया हूँ जो कि एम्स में है। एम्स में सिस्टर ग्रेड सेकंड नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी स्लिप है। दोनों की सैलरी यहाँ पे बराबर ही रहती है, लगभग जो पे लेवल होता है दोनों का बराबर रहता है, बट यहाँ पे एम्स जो है दिल्ली में आ जाता है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस पड़ने वाला है, क्योंकि वहाँ पे सैलरी और अलाउंसेस थोड़े ज़्यादा मिलने वाला है आपको। तो यहाँ पे जैसा आपकी आपको दिख सकता है बेसिक यहाँ पे 46,200 है, ये इंक्रीमेंट होने के बाद 46,200 है, वरना यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो आपका पे स्केल है वो 9,300 से लेकर 34,800 है, 4,600 का जी ग्रेड पे है जो कि इसी में रहता है, नर्सिंग ऑफिसर में रहता है। उसी के साथ ये जो सैलरी स्लिप है ये ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, मई 2020 की है, बट हम लोग उससे ले सकते हैं। तो यहाँ पे डीए आपको दिख रहा होगा 7,854, टीए 1,800 का है, डीए और टीए 306 है, एचआरएस 7,332 है, नर्सिंग अलाउंसेस भी मिले हैं अलग से आपको 7,200 के, यूनिफॉर्म अलाउंसेस भी आपको मिले हैं 1,800 के। उसके बाद आपके डिडक्शंस में है इनकम टैक्स आपका 3,500, एनपीएस है 5,405 का, प्रोफेशनल टैक्स काटा हुआ है, ईएचएस काटा हुआ है 650। तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी जो है 72,552 की बन रही है, टोटल डिडक्शंस 9,755 की बन रही है, तो नेट सैलरी जो है 62,797 बनी हुई है जो कि मई 2020 की है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सैलरी जो है अब कितनी इंक्रीज़ हो गई होगी और कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई होगी ये वाली सैलरी अब। तो एसजीपी जीआई के बारे में हमने बात की यहाँ पे, सिस्टर ग्रेड सेकंड नर्सिंग ऑफिसर कि इसकी सैलरी क्या रहती है, तो हम लोगों ने सैलरी से भी देख ली। इसी के साथ अलाउंसेस की बात कर ले तो मेडिकल की तो ये लाइन है ही, तो आपको मेडिकल अलाउंस तो मिलने ही वाला है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए भी, प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंस आपने यहाँ पे देखा। तो ये जो कुछ अलाउंसेज हैं जो जैसे कि यहाँ पे आपने देखा यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया, नर्सिंग अलाउंसेज हो गए, ये आपको उस पोस्ट पे जाके ही पता लगता है इन डिटेल कि ये एक्चुअली में अलाउंस आपको मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला। तो ये तो आपको पोस्ट पे जाके मिल ही जाएगा, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए, आप जिस पोस्ट पे जाते हैं उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। और यहाँ पे हम लोगों ने बात करी इन डिटेल एसजीपी जीआई नर्सिंग ग्रेड सेकंड सिस्टर ग्रेड सेकंड नर्सिंग ऑफिसर के बारे में, जिसमें हम लोगों ने उसकी इनहैंड सैलरी देखी, प्लस हमने अलाउंसेस देखे क्या क्या मिलते हैं, बेनिफिट्स एंड पर्क्स जिसको हम बोल सकते हैं। उसी के साथ हम लोगों ने एग्जाम पैटर्न भी देख लिया, पोस्ट के बारे में सारी डिटेल मैंने आपको दे दी। अगर इसके बाद अगर आपका फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर करें, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।